प्रधानमंत्री पीएम मोदी और शेख हसीना में द्विपक्षीय वार्ता के बाद 7 समझौतों पर हस्ताक्षर, 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन। पीएम ने कहा कि भारत बांग्लादेश सहयोग पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण, उम्मीद है कि इसे और मजबूती मिलेगी। एक साल में हमने शेख हसीना जी के साथ 1 दर्जन ज्वाइंट प्रोजेक्ट किए लॉन्च। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच संबंधों को लेकर हुई चर्चा। अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात, रियाद इन्वेस्टमेंट समिट में भी हो सकते हैं शामिल। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को चिट्ठी में लिखा, कांग्रेस में अंतरिम लोकतंत्र नहीं। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो इस भारत को भी और हरियाणा को भी कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, और इसलिए हमने कहा कि पार्टी आज अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से जो गुजर रही है वो भारी ताकतों की वजह से नहीं है, वो हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसकी वजह से है। अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के हमले पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया जवाब, कहा पिछले 5 सालों में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा और महंगाई में भी आई कमी। जावड़ेकर ने जीएसटी को सबसे बड़ा बदलाव बताया, बैंकों के खराब हालत के लिए यूपीए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बैंकों के एनपीए के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने डीसी ऑफिस के बाहर ग्रेनेड से किया हमला, हमले में एक पत्रकार समेत 10 से ज्यादा लोग घायल। आतंकी अनंतनाग के डीसी ऑफिस के गेट पर ग्रेनेड फेंककर हुए फरार, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 60 दिन पूरे। कश्मीर में शांति से बौखलाए पाक पीएम इमरान खान का फिर आतंकियों के समर्थन में बयान, कहा कश्मीरियों की मदद के लिए जो एलओसी पार जाएगा भारत उसे बताएगा इस्लामी आतंकी। पाकिस्तान में स्टाइलिश दाढ़ी काटने पर 4 नाइयों को खैर पख्तूनवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाइयों पर गैर इस्लामिक तरीके से दाढ़ी काटने का आरोप। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने का विरोध करने पर पुलिस ने की कार्रवाई, विरोध करने के आरोप में 25 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। मेट्रो शेड के लिए मुंबई की आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का काम शुरू, पेड़ कटाई के खिलाफ प्रदर्शन रोकने के लिए लगाई गई धारा 144। बिहार में केंद्र से मिली मदद को आरजेडी ने बताया नाकाफी, बीजेपी ने धैर्य रखने की सलाह दी, कहा फिर मिलेगी मदद। कर्नाटक और बिहार को बाढ़ राहत पैकेज रिलीज किया गया, कर्नाटक को 1200 करोड़ रुपए की मदद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट। बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए केंद्र सरकार ने किया मदद का ऐलान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड से बिहार को मिलेंगे 613 करोड़, राहत बचाव और पुनर्वास में खर्च होगी धनराशि। पटना के कई इलाकों में जलजमाव अब भी, प्रशासन की तरफ से बीमारी को रोकने के लिए किए जा रहे हैं उपाय, फॉगिंग के जरिए महामारी को रोकने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल, बरसाती नाला पार करके स्कूल जा रहे हैं छात्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जेडीयू ने एक सुर में बोला हमला, कहा कभी अपने विभाग का भी दे ब्यौरा, विपक्ष ने ली चुटकी। बगहा में यूपी बिहार की सीमा पर मौजूद नारायणी गंडक नदी का जलस्तर दियारा के निचले इलाकों में भारी तबाही, हालात पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। बिहार के पटना में राहत सामग्री ले जा रहा ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर पर सवार सभी पुलिस वाले नीचे गिरे, संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा। यूपी के गाजीपुर में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांवों का संपर्क भी टूटा, सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी फसल को भारी नुकसान। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर 30 विकास खंडों में मतदान, मतदाताओं ने बिजली पानी सड़क और यातायात जैसे मुद्दों को लेकर की वोटिंग। उत्तराखंड के केदारनाथ में कर्नाटक से आए श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द की शिकायत के बाद एसडीआरएफ ने किया एयरलिफ्ट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी में फिर नियमों की अनदेखी, सीएम योगी की मनाही के बाद भी होती रही रजिस्ट्री। यूपी में जौनपुर जंक्शन पर जीआरपी ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस का दावा बदमाश पंजाब में एक पुलिस वाले की हत्या करके थे फरार। यूपी के फरुखाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश पर डॉक्टर बिलाल हत्याकांड के मामले में फरारी का आरोप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तीरे हत्याकांड के आरोपी जॉनी दादा ने की आत्महत्या,
पुलिस चेकिंग के दौरान खुद को मारी गोली, 21 स्थानों की पुलिस कर रही थी तलाश। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, पंचर खड़ी कैश वैन से 1,57,00,000 लूटकर बदमाश फरार, सर्चिंग में जुटे पुलिस अधिकारी। मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल परिसर में लूट से सनसनी, चाकू दिखाकर महिला डॉक्टर से पैसे मोबाइल छीनने का मामला, नाराज जूनियर डॉक्टर से किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाने माने MGM आई हॉस्पिटल की मान्यता रद्द, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालक ने जारी किया आदेश, MGM के ट्रस्टी हैं निलंबित IPS मुकेश गुप्ता। राजस्थान के जयपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के दौसा में फूड पॉइजनिंग से 80 लोग बीमार, मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे। रणथंभौर नेशनल पार्क में कर्मचारियों की शराब पार्टी, नशे में झूमते दिखे कर्मचारी, जी मीडिया पर खबर दिखाने के बाद DFO ने कही जांच की बात। राजस्थान के जयपुर में SMS अस्पताल में खुला नया हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर, 15 करोड़ की लागत से बने सेंटर का CM ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में किया जू का उद्घाटन, 50 हेक्टेयर में बने जू में लोगों को देखने को मिलेंगे 11 नए जानवर। पंजाब के तरन तारण में 4 हथियारबंद संदिग्ध दिखने से हड़कंप, सूत्रों के हवाले से खबर, 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। पंजाब के तरन तारण ब्लास्ट मामले में नामजद 8 आरोपियों की मोहाली स्पेशल NIA कोर्ट में हुई पेशी, आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड, दूसरे आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंजाब के फजिलका में BSF ने सरहद पर ड्रोन संबंधी जागरूकता के लिए सेमिनार का किया आयोजन, बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण में स्कूल बस पलटने से हादसा, 18 बच्चे और एक शिक्षक घायल, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में डेंगू के 10 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव, ग्वालियर चंबल अंचल में 9 नए मरीज आए सामने, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लार्वा सर्वे का काम जारी। मध्य प्रदेश में आज से ट्रांसपोर्टर्स और टैंकर संचालकों की हड़ताल, पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने और पुराने वाहनों पर आजीवन टैक्स लेने के विरोध में हड़ताल। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसिड अटैक का एक मामला सामने आया, हमले में एक महिला और उसकी मां झुलसी, महिला के पूर्व पति पर आरोप, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में व्यास बंधुओं पर लोकायुक्त का छापा, उज्जैन पचोर भोपाल शुजालपुर में भी लोकायुक्त की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध नागरिकों की पहचान के लिए अभियान, पहचान पत्र नहीं दिखा पाने वाले लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। UP के गाजियाबाद में मुठभेड़ में 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए हिस्ट्री शीटर पर दिल्ली NCR में लूट और चोरी के कई केस दर्ज। राजस्थान के दौसा में शिक्षा विभाग में हुए तबादलों के बाद स्कूलों में जारी हंगामा, कई स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर के विरोध में तालाबंदी। यूपी के महोबा में आग में कपड़ों की दुकान जलकर खाक, बाल बाल बचा इमारत की तीसरी मंजिल पर रह रहा दुकानदार का परिवार। हिमाचल प्रदेश के केलांग में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, बर्फ को हटाने के लिए जुटी BRO की टीम। इसरो ने जारी की चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई चंद्रमा की तस्वीर, हाई रिजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीर पर चांद की सतह साफ नजर आ रही है। सुरक्षा बलों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तैयार की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट, वजन में हल्की और विदेश से आयात की जाने वाली जैकेट्स की तुलना में काफी सस्ती है। राजस्थान के कोटा के एक छात्र ने खास चश्मा बनाने का किया दावा, सड़क हादसों को रोकने का करेगा काम। चंडीगढ़ में राशि नक्षत्र और ग्रहों की दशा के हिसाब से पार्क में लगाए जाएंगे पेड़, प्रशासन और वन विभाग का नया प्रयास। नवरात्रि का आज 7वां दिन, देश भर में मां कालरात्रि की आराधना, मुंबई के पंडालों में जुटे सितारों से लेकर आम लोग। गुजरात के सूरत में युवाओं ने PM मोदी का मास्क पहनकर किया गरबा, युवतियों ने अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के समर्थन में टैटू भी बनवाए। UP के प्रयागराज के एक दुर्गा पूजा पंडाल को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का रूप, राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई के लिए मां के दरबार में अदालत का निर्माण। दिल्ली में एक पंडाल में लोगों के लिए मां दुर्गा का इको फ्रेंडली अवतार, रिसाइकिल वेस्ट से तैयार की गई प्रतिमा, इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश।
छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में महिलाओं के समूह ने बनाए गोबर से आकर्षक दिए दिवाली के लिए खास तौर पर तैयार किए गए दीपक।